नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं एक दूसरे पर बयानबाजी करके एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए थे और वाराणसी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को घेरा है और राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी को गोली मारी और सारे हिंदुत्ववादी मिलकर उसे पकड़ नहीं सके। इस ट्वीट के जवाब में अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं है क्या कि वो किस खानदान से आते हैं, जो हिंदुत्ववादी ही इस राष्ट्र का एक पहचान है। इसकी मानसिकता क्या है भाई? राहुल जी जानते हैं, उनको मालूम है कि वो किस परिवार से आते हैं। अब वो खानदान की बात चर्चा मत कराइए मुझसे। और राहुल जी को इतना जानकारी होना चाहिए कि भारत और यह देश जो हमारा है, यह राष्ट्र बराबर इदम राष्ट्राय स्वाहा, ये राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों की टोली है। ये विदेश की संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति है। और सचमुच में हिंदुत्व ही राष्ट्रित्व है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कहा है। इसे भारत की संस्कृति विराट है, उन्हें अपनी संस्कृति को पहचानने में 7 जन्म लगाना होगा, तब भारत की संस्कृति को वो पहचान पाए। अश्विनी चौबे वाराणसी पहुंचे हुए थे, वहां पे उन्होंने चुनाव को लेकर के तैयारियों से के बाबत जो है जिले के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के विपक्ष में क्या काम कर सकते हैं, कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है, सपा किस तरीके से तैयारी की, इसने पूरी तरीके से फीडबैक लिया और भाजपा उस पर किस तरीके से पलटवार कर सकती है उस पर कार्यकर्ताओं के साथ अपने संवाद किया। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी पर जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के हार्दिक पटेल के बयान कि जनेऊ पहनने वाले दो होते, एक जनेऊ पहनाने वाला हिंदू राम, तो जनेऊ पहनने वाला हिंदू तो रावण भी होता है। इस सवाल हार्दिक पटेल के इस सवाल के जवाब में अश्विनी चौबे ने कहा कि उनको मालूम नहीं कि राम की कृपा से ही रावण को मोक्ष मिला। कौन कह रहे हैं? पटेल कह रहे हैं। अब उनको राम और रावण का रामायण कभी पढ़े होते तो उनको ज्ञान होता। उनको पहले कहिए रामायण पढ़े। राम और रावण की जो संस्कृति है, रावण तो साक्षात ब्रह्मांड विद्वान आदमी, जिनके हृदय में जानकी का वास होता था वही रावण है, जो राम के आशीर्वाद से जो अपने मोक्ष प्राप्त किया। तो राम और रावण जिनके हृदय में जानकी का वास होता था वही रावण है, जो राम के आशीर्वाद से जो अपने मोक्ष प्राप्त किया। तो राम और रावण की बात उन्हें मालूम नहीं है। उनको रामायण, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण, उसका अध्ययन करना चाहिए। अभी नवशिखुआ है, अभी नए विद्यालय में वो आए हैं और कांग्रेस में वो आए हैं, वो कांग्रेस का यहाँ जमानत भी नहीं बचने वाला है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का भविष्य उनके परिवार में दिखता है। हम आपको बता दें, इसके साथ ही पूरे तरीके कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्विनी चौबे सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित रहने वाला है। और इसके साथ ही जिस तरीके से मनोहर राणा ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएंगे, तो इस पर भी अश्विनी चौबे ने प्रतिक्रिया दी है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग ये साफ समझ लें कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनने वाली है। ऐसे माफिया तंत्र के जो भी लोग हैं वो उन्हें जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर वो गिर जाए। पलायन तो करने पड़ेगा। अरे अगर सीएम क्या बनेंगे, वो सीएम है
और जनता के, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से अगला सीएम भी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में बनेंगे, और जब बनेंगे तो ऐसे माफिया तंत्रों का यहां से पलायन होकर बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। हम आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने यह भी साफ तौर पर कर दिया है कि यूपी में बीजेपी जो है 300 प्लस आ रही है, लगभग 2/3 सीटों पे भाजपा का पूरी तरीके से कब्जा होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। हम आपको बता दें कि रेलवे भर्ती की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इस पर भी जब पत्रकारों ने सवाल किया तो अश्विनी चौबे ने यह भी साफ कर दिया कि वो खुद छात्रों द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को छोटी मोटी कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने लाठीचार्ज को जो किया पुलिस ने उसको छोटी मोटी कार्रवाई बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की जो मांग है उस पर पूरा तरीके से सरकार जो है ध्यान देगी, क्योंकि वो खुद एक छात्र आंदोलन से निकल के ही केंद्र की राजनीति तक का सफर किए हैं। तो इस समय जैसे ही चुनाव नजदीक आ गए हैं, तमाम जो नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी पार्टी की जो जनाधार है, जो पार्टी की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सत्ताधारी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी एक तरीके से पूरे केंद्रीय नेतृत्व को पूरे उत्तर प्रदेश में उतार चुकी है, और पूरी फौज जो है भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वोटों की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। आज काशी विश्वनाथ के इस पावन नगरी में मैं सर्वप्रथम यहाँ के समस्त वासियों को, काशी वासियों को हृदय से उनके प्रति शुभकामना देते हुए और काशीवासी निश्चित रूप से पूरे देश को एक सुखद संदेश देंगे। आज मैं काशी विश्वनाथ की नगरी में सर्वप्रथम कोतवाल जी का, भैरव बाबा का पूजा किया और फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके, और अभी अभी जो श्री लक्ष्य चंडी यज्ञ महायज्ञ वो अपने श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 501 ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो यह यज्ञ 100 कुंडीय विराट यज्ञ 51 दिनों तक चलने वाला है श्रद्धे, और वो किरार खंड में श्रद्धे करपात्री जी महाराज के उस यज्ञ के बाद शायद ये पहला इतना बड़ा यज्ञ इतने दिनों तक, तो उस यज्ञ में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर कई दिन भर आज ऐसे विद्वत परिषद, कई प्रचंड विद्वान, कुछ ऐसे उद्यमी उद्योग जगत से जुड़े हुए ऐसे लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श भी हुआ। मुझे इसी के इस नगरी में चुनाव के कालखंड में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला। यो तो हमारा, आप जानते हैं कि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जो सिद्धाश्रम जिसको बक्सर कहते हैं, तो काशी और मिनी काशी के रूप में सुविख्यात है, वहीं से मैं सांसद होने के नाते और लगभग 25-30% आबादी हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग काशी में भी बसते हैं। सुबह यहाँ, शाम वहाँ, तो फिर सुबह यहाँ, बड़ा काशी से अन्योन्याश्रय संबंध है पूरे बक्सर संसदीय क्षेत्र का, तीनों चारों जिला कैमूर, बक्सर और रोहतास, भोजपुर का, ये शाहबाद का, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। उनके साथ भी आज उनके ऐसे कई प्रमुख लोगों के साथ बातचीत भी हुई सुबह। मुझे लगा कि काशी का स्वरूप बदल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काशीवासियों ने उन्हें प्रतिस्थापित किया, माँ गंगा ने गोद में बैठाया, उसके अनुरूप उन्होंने काशी को सजाने का काम किया है। और आज पूरा
उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश और दुनिया इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार से काशी विश्वनाथ जी का जो यह कॉरिडोर है साक्षात गंगा से लेकर के और पवित्र भगवान शंकर के उस स्थान को जिस प्रकार से दिव्य और भव्य बनाने का काम किया गया है, सदियों सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को याद रखें। यही तो काशी के लोग चाहते थे। काशी विश्वनाथ भव्य स्वरूप में आज मुझे पहली बार दर्शन करने को पूजन करने को अवसर मिला। यूँ तो काशी बराबर आते रहता हूँ लेकिन इस भव्य स्वरूप के बाद पहली बार दर्शन करने के लिए आया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का बिगुल 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है लोगों ने और उत्तर प्रदेश में विशेष करके जो ये समर है ये महासमर काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से जिन्होंने देश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को अग्रणी भूमिका अदा करके करने का काम किया। ऐसे हम सब लोगों के प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के कर्तृत्व उनके कर्म का फल जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं जो विकास की फुलझड़ियां पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो वाराणसी हो चाहे मथुरा हो चाहे मेरठ हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम।